जय हिंद टू ऑल ऑफ यू बेटा। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक त्रिपाठी, आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी। बेटा, हम पढ़ रहे थे कक्षा 7 की हिंदी वसंत भाग 2 और उसका 10वां पाठ अपूर्व अनुभव। जैसा कि हमने इसको बताया कि यह जापानी लेख है, इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है, जिसका अनुवाद पूर्वा यागी कुशवाहा जी ने किया है। इसमें एक लड़की की कहानी है, तोत्तो चान की, जो एक विकलांग लड़के को, पोलियोग्रस्त लड़के को उत्साहित करके, उसका उत्साहवर्धन करके उसको पेड़ पर चढ़ाती है। ठीक, अभी उसको आप देखेंगे कि किस तरह से वह उसको चलती है। आपने इसके पहले भाग में पढ़ा, इस वीडियो के पहले भाग में आपने देखा कि दोनों लोग, मतलब कि अपने घर से छुप करके, उनके घर में कोई जान नहीं रहा है कि क्या होगा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, वो झूठ बोल करके अपने घर से जाती है और वह उसको बुलाई है पेड़ पर चढ़ाने के लिए। अभी इस वीडियो में आप लोग देखेंगे किस तरह से वह जाती है घर से। यहाँ तक आपने पढ़ चुका था कि वह दोनों मिलते हैं बगीचे में, अपने स्कूल में मिलते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया कि सबके लिए एक अलग अलग पेड़ था, हर बच्चों के लिए अलग अलग पेड़ थे, वो अपने पेड़ पर झूलते थे, खेलते थे। तो आज उस पोलियोग्रस्त बच्चे को पेड़ पर चढ़ाने के लिए बुलाई है। अब देखिए किस तरह से वह उसको पेड़ पर चढ़ाती है। ठीक है, दूसरे पेज तक आप पढ़ लिए थे, आज से अब हम पढ़ेंगे तीसरा पेज। तोत्तो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई। उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। छप्पर यानी जैसे झोपड़ी होती है, ठीक, जहाँ पे चौकीदार रहता है, सिक्योरिटी गार्ड रहता है, ठीक, वह उसके झोपड़ी की तरफ, छप्पर की तरफ भागी। जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था, वह रात वह गई वहाँ पर, तुरंत चौकीदार के कमरे की तरफ भागी और ऐसे भागी जैसे उसने रात में तय कर लिया था कि हमको चौकीदार के कमरे में जाना है और वहाँ से क्या करना है। भागी जैसे और एक वहाँ से एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसने सोच लिया था कि हम चौकीदार की सीढ़ी लेंगे और वह गई लेकर के सीढ़ी लेकर चली आई। उसे तनिक सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। देखिए इसमें आप फोटो में देखिए, वह सीढ़ी लगाई है और ऊपर डाल पर बैठी है वह, ठीक ना। तो जहाँ से देखिए पेड़ में, हमने बताया कि जहाँ से पेड़ की डाल शुरू होती है उसको, उस स्थान को क्या बोलते हैं, द्विशाखा। ठीक है, तो वह द्विशाखा तक उसको सीढ़ी की लगाई। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। वह ऊपर चढ़ी, देखिए उसने फोटो में देखिए ऊपर चढ़ी है और सीढ़ी को पकड़ी हुई है। तब उसने पुकारा, ठीक है अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। ऊपर चढ़ के सीढ़ी पकड़ लेती है और लड़के को बुलाती है जो उससे कि बड़ा है, क्या नाम है उसका, यासुकी चान, जो कि पोलियो है उसको, ठीक, उसका पैर काम नहीं करता लेकिन फिर भी वह उसको पेड़ पर चढ़ाने के लिए सीढ़ी से बुलाती है। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोत्तो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धक्की आने लगी, मैंने उसको धक्का देने लगा। उसको जैसे आप किसी चीज़ चढ़ते हैं ऊंचाई पर, अगर नहीं चढ़ पाते हैं तो कोई आपको नीचे से सहारा देता है तो उसको क्या बोलते हैं, धक्का देना। तो उसको धक्की आने लगी, पर तोत्तो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हताशा माने निराश होकर के वो अपना सिर झुका करके खड़ा हो गया। तोत्तो चान को पहली बार लगा कि वह काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठे थी। अब क्या करे वह, ठीक, पहले काम करने से पहले लगता है काम बड़े आसान है लेकिन जब काम शुरू होता है तब होता है अरे तो काम तो बड़ा कठिन है। वह सोची थी अरे एक बार में चढ़ा देंगे उसको, ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर परिस्थिति देखी तो उसने समझा ना ये काम बहुत ही कठिन है। ठीक, अब वह सोचने लगी कि अब क्या करे। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। तोत्तो चान की इच्छा थी कि यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था, वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोत्तो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। भाई वह चढ़ नहीं पाया, एक तो वह पहले से विकलांग है, ठीक है, और वह चढ़ नहीं पा रहा तो उसके अंदर और हताशा हो गई, बेचारा मायूस हो गया। ठीक है, तो उसको हंसाने के लिए तोत्तो चान को अलग अलग प्रकार से मुँह बनाना पड़ा। ये देखिए इसमें यह है कि एक कि कोई व्यक्ति अगर थका हुआ है, हारा हुआ है, हताश है,
को तो उसके उत्साह को किस प्रकार से बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई कमज़ोर है, अगर आप उसको कमज़ोर कहेंगे तो वह और कमज़ोर होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसकी सहायता करें, उसकी हेल्प करें, उसका उत्साह बढ़ाएं, मनोबल बढ़ाएं, तो वह भी अच्छा काम कर सकता है, ठीक है। यही इस कहानी का जो है सारांश है। चलते हैं, देखते हैं आगे। ठहरो, एक बात सूझी है। एक वह लड़की सोचने कि उसको चढ़ाया कैसे जाए, तब उसको उस दिमाग में आता है, कहती है ठहरो एक बात सूझी है। फिर वह चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। वह चौकीदार के छप्पर की तरफ दौड़ी और वहाँ पहुँच कर उसके छप्पर को वह उलट पुलट कर देखने लगी। उसे एक तिपाही सीढ़ी मिल गई। तिपाही सीढ़ी यानी जिसमें तीन पैर होता है। देखिए फोटो में देखिए, ठीक, उसमें तीन पैर आपको दिख रहा होगा। अभी सीढ़ी आप देखे होंगे कि दो पैर की होती है, उसमें दो तरफ होते हैं, लेकिन कुछ सीढ़ियाँ तिपाही और चौपाई भी होती हैं, चार पैर की भी होती हैं। तो तिपाही लेकर के घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान थी। तिपाही के ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुँच रही थी, ठीक है। वह सीढ़ी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि वह द्विशाखा तक पहुँच रही थी, उससे ऊपर नहीं पहुँच पा रही थी। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय। अच्छा अभी रुकिए, देखिए, देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। वह देखिए आप पहले पढ़े हैं कि तो चान उससे छोटी थी, ठीक, और वो लड़का उससे बड़ा था, लेकिन वह कैसे आदेश दे रही है जैसे वह उसकी बड़ी बहन हो। कहा कि आओ ऊपर, डरो मत, यह डगमगाएगी नहीं। यास्की चान ने घबरा कर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तत्तो चान की ओर देखा। यास्की चान घबरा कर सीढ़ी की तरफ और पसीने से तरबतर, पसीने में डूबी हुई तत्तो चान क्यों डूबी हुई है, क्योंकि वह उतनी बड़ी सीढ़ी उठा करके लाई है तो वह थक गई है, ठीक ना, इसलिए उसको भी पसीना आ रहा है। तो यास्की चान ने उन दोनों को देखा, उसने पेड़ की ओर देखा, तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उसने फिर पेड़ की तरफ देखा और पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता ना चला कि कितना समय यास्की चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। अगर आप किसी काम को मन से करेंगे तो आपको भी पता नहीं चलेगा कितना देर समय लगा, ठीक है। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यास्की चान के ऊपर तक पहुँचने में रमा था। उन दोनों को धूप भी लग रही थी, लेकिन वे लोग धूप का ध्यान नहीं दे रहे थे। उनका सारा ध्यान कहाँ था कि कैसे वह ऊपर पहुँचे, दोनों लोग उसी में व्यस्त थे। तोत्तो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। नीचे तोत्तो चान उसका एक एक पैर उठा उठा करके सीढ़ी पर धरने में यानी रखने में मदद कर रही थी। उसने अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। जैसे आप देखे हैं कि कोई चढ़ रहा है, ठीक है, तो आप उसके पिछले हिस्से पर सिर लगा करके उसको उठाते हैं, हाथ लगा कर उसका रखते हैं, ठीक है। कुछ देर नहीं हाथ से पकड़ पाते, उसको कहते हैं कि आप मेरे सर पर बैठ जाओ, ठीक, सर पर बैठ के तब ऊपर चढ़ो। इस तरह से वह उसको सिर लगा करके भी उसको उठा रही, उसको ऊपर पहुँचाने का प्रयास कर रही है। अपने यास्की चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह पहुँच गया, ठीक। दोनों लोग प्रयास करते करते अंत में वह जो विकलांग लड़का था उस सीढ़ी के ऊपर पहुँच गया, ठीक है, हुर्रे। पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। वह पहुंच गया तो बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता के साथ बोला हुर्रे, पर अचानक उसे अपनी सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोत्तो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यास्की चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। क्यों बेकार रही? क्योंकि वो जो तिपाही सीढ़ी थी वो कुछ छोटी थी, वह पूरे पेड़ पर नहीं जा पाती थी, ठीक, केवल डाल तक पहुँच पाती थी। और वह बेचारा ऊपर तो चढ़ गया लेकिन डाल पर नहीं चढ़ पाया, ठीक है। और तोत्तो चान थी वह दूसरी सीढ़ी से ऊपर चढ़ गई। यास्की चान सीढ़ी थामे तोत्तो चान की ओर ताकने लगा। यास्की चान चांद जो था वो सीढ़ी पकड़ करके उसकी तरफ देखने लगा, ताकने लगा। तोत्तो चान की रुलाई छूटने को ही, क्योंकि भाई दोनों ने प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रयास करने के बाद भी वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। हाँ ऊपर तक चढ़ गया लेकिन डाल पर वह नहीं पहुँच पाया, तो उन दोनों को रुलाई छूटने लगी। उसने चाहा कि यास्की चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ों को दिखाए, ठीक है। वह चाहती थी कि वह आए ऊपर चढ़े, पेड़ पर चढ़े और वह तमाम नई तरह की चीज़ों को देखे, ठीक है। तो यहीं पर हम अपने पाठ को बंद कर रहे हैं।
ठीक है, इसके आगे कहानी को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अच्छी कहीं पर आपको दिक्कत आ रही है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी शब्द का अर्थ आपको नहीं समझ आया तो पूछ लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद।